दोस्तों, हमारी कामाख्या मंदिर की पूजा खत्म हो गई है। ये है वो लोग जहाँ पे आपका पूजा शुरू होता है। तो एक अलग से एक जगह है यहाँ पे दिए जलाने के लिए, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और हमने देख लिया है यहाँ का म्यूजियम। हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे पुराने पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे देखिए पुराने जो नक्काश है बहुत ही खूबसूरत है। ये ओरिजिनल कामाख्या मंदिर के दरवाजे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक छोटा सा रूम, हम अंदर जाएंगे इस रूम के। हमने कर लिया है कुछ शॉपिंग। वक्त हो गया है यहाँ से निकलने का। वेल गाइस, अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से। हमारी ट्रेन है लगभग आधे घंटे में, तो चलिए यहाँ से तेज हमें चलना है और सबसे तेज यहाँ से जाती है। चलिए चलते हैं। चलो हो जाए আমি যাওয়ার ভাড়া বলছি, চলো চলো একদম কাম খাচ্ছেন কিন্তু। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के ऑटोज में बहुत अच्छे दरवाजे भी होते हैं, छोटे से काफी क्यूट है। तो कामाख्या मंदिर से स्टेशन तक आपको लगभग 10 मिनट की राइड पड़ेगी। जब आप स्टेशन में घुस रहे होंगे उसके ठीक पहले आपको छोटा सा मार्केट मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मार्केट, और इसके बाद ही स्टेशन का यह शुरू होता है। वेल गाइस, आप देख सकते हैं कि हमें 10 मिनट से थोड़ा ऊपर लगा है और 12:30 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमारे पास अभी 15 मिनट बचे हैं। हम आ गए स्टेशन के सामने और ये है डिपार्चर और अराइवल एरिया। यहाँ पे पार्किंग भी है सामने, आप देख सकते हैं। तो हमें उतरना है यहाँ पे। वेल दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं कामाख्या स्टेशन और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो हम यहाँ से IRCTC का फूड प्लाजा है बाहर, यहाँ से खाना ले लेंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है स्टेशन, तो हमें घूमना है वहाँ से। तो चलिए पहले कुछ खाना ले लेते हैं। तो गाइस, ये रहा फूड ट्रैक जो IRCTC का फूड प्लाजा है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तो कोई दिख नहीं रहा है। बंद है? ओ भाई साहब, तो यहाँ पे भैया खाने में क्या है? ये मेनू है?
गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी मेनू जो अभी दिखाई गई है और प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल है। कुछ थाली है, दाल चावल है, बिरयानी है, वेज और नॉन वेज के दोनों के ऑप्शंस हैं। जल्दी में वेज में क्या मिलेगा? डिनर रोटी के साथ क्या मिलेगा? रोटी के साथ क्या मिलेगा? क्या पनीर है? एक वेज बिरयानी, एक मटर पनीर। पैक कर दीजिए, पैक पैक। टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग का ट्रेन है। दोस्तों ये है IRCTC का कैंटीन। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खाली है अभी और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। अभी यहाँ से पार्सल करके ले जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट का जो IRCTC का रेलवे का है उसका कैंटीन बाहर है यहाँ पे। अगर आप खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म पे और ये रही हमारी ट्रेन। हम एक्चुअली भागते भागते यहाँ तक आए और शेड्यूल टाइम से एकदम सिर्फ एक मिनट बचा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन खड़ी है। लेकिन हमारी जो कोच नंबर है वो हमें ढूंढना पड़ेगा अभी। यहाँ पे तो प्रॉब्लम में कुछ लिखा नहीं है, कहीं पे भी लिखा नहीं है प्लेटफॉर्म पे या फिर कोच पे नंबरिंग नहीं की गई है। ये बहुत ही ख़राब है, ये करना चाहिए। देखते हैं, चलिए। हमारा कोच है D1 लेकिन यहाँ पे तो कोई मार्किंग्स नहीं है, प्लेटफॉर्म पे भी कुछ लिखा नहीं है। एक्चुअली ये जनरल कोचेस D1 जो चेयर कार वगैरह होते हैं वो सब या तो सामने होते हैं या फिर ट्रेन के एकदम आखिर में होते हैं और ये प्लेटफॉर्म के, ये प्लेटफॉर्म का आखिरी हिस्सा है। तो शायद इस तरफ होगा या फिर एकदम दूसरी तरफ, हमें चल के देखना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन कोचेस आ गए। एक काम करते हैं, D1 तुम यहाँ पे रुको, मैं सामने देख के आता हूँ। चलिए इनसे पूछते हैं, ये स्टाफ है, शायद इनको पता होगा। यहाँ पे D1 किस तरफ है? D1 सर आगे होगा। नहीं नहीं इधर नहीं है, सब यही इधर है। तो पीछे तो लिखा नहीं है? नहीं, D1 D2 इधर है। मकान, मकान नहीं है। तो इन भाई साहब ने बताया कि D1 पीछे की तरफ है। तो चलिए देखते हैं, वहाँ पे तो कोई मार्किंग्स नहीं था, अभी हर कोच में जाके पूछना पड़ेगा। चलिए गाइस, यहाँ से सेकंड क्लास कंपार्टमेंट शुरू होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम हर एक डब्बे में जाएंगे और पूछेंगे कि D1 है कि नहीं, क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। बोल दोस्तों, हमने हमारे को पैसेंजर्स के साथ सीट एक्सचेंज कर लिए। उनका एक बड़ा ग्रुप है, हमें भी साइड का सीट मिल गया, बढ़िया है। तो चलिए अभी सामान ऊपर रखते हैं और बैठते हैं आराम से। दोस्तों हम आ पहुँचेंगे ट्रेन के अंदर और ये आप सकते हैं कोच, ये जनरल कोच है और नए कोचेस हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो
पुराने कुछ की तुलना में सीटें भी काफ़ी अच्छी हैं और साफ सुथरा है। सिर्फ आप देख सकते हैं जो कोच की अरेंजमेंट है, यहाँ पे चार सीटें हैं और वहाँ पे साइड में दो सीटें हैं। ये सामान रखने की जगह है, यहाँ पे भी आप चाहे तो बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, इसीलिए गद्दी लगाई गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सो के जाते हैं जनरल कोच में, इसीलिए गद्दी लगाई गई है। इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट्स है, तीन चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे एक आराम चेन और उस साइड में भी एक चार्जिंग पोर्ट है वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है। चलिए हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ और देखते हैं कैसा है वॉशरूम। स्पेशली अभी पोस्ट कोविड के टाइम्स में वॉशरूम में कुछ बदलाव आया है कि नहीं, सैनिटाइजर वगैरह है कि नहीं, चलिए देखते हैं। तो नहीं है लेकिन जो है ठीक ठाक है, थोड़े से स्टेन है ग्लास में यहाँ पे। यहाँ पे फ्लश बटन गायब है, बोल्ट लॉकिंग है, लिखा हुआ है टॉयलेट इज नॉट ए ट्रैश कैन, ये तो पूरा कचरा कर दिया है। तो दोस्तों टॉयलेट की हाल उतनी अच्छी नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, कुछ सैनिटाइज वगैरह रहेंगे पर कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो कुछ बदला नहीं है। चलिए बैठते हैं जगह पे। तो दोस्तों हमारी ट्रेन चल पड़ी है और बाहर आप देख सकते हैं हम छोड़ जा रहे हैं गुवाहाटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने तो खाना भी शुरू कर दिया है, जो खाना हम कैंटीन से लाए थे तो खाना भी ठीक ठाक ही है। व्यूअर्स को हाई तो बोल दे। बाय बाय गुवाहाटी। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में आज नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को, हम हर हफ्ते ट्रैवल वीडियोस अपलोड करते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपके साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ।